बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर फिल्म पद्मावत की सक्सेस से बेहद खुश हैं। फिल्म रिलीज होने के चौथे दिन शाहिद कपूर मुंबई के एक सिनेमा हॉल पहुंचे। वहां उन्होंने लोगों के बीच अपनी फिल्म की सक्सेस के लिए लोगों को शुक्रिया कहा। इस दौरान शाहिद ने वहां मौजूद लोगों से बातचीत की। शाहिद को देखकर वहां मौजूद लोग भी शाहिद को राजा रतन सिंह कहकर जोर जोर से पुकारने लगे। इस दौरान शाहिद ने अपने लिए लोगों का प्यार देखकर लोगों से खुशी जाहिर की। ऐसी कुछ फिल्में होती हैं जो आपके दिल के बहुत करीब होती हैं, और ऐसी कुछ फिल्में होती हैं जिनको जाके लोगों के साथ एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी होता है। और इस फिल्म में मैंने जो किरदार निभाया है रावल रतन सिंह का, वो मैंने ये रोल लोगों के लिए ही किया है, बिकॉज इस फिल्म के अंदर जो हिंदुस्तान की डायनेस्टी थी, जो चित्तौड़ की डायनेस्टी थी, महारावल रतन सिंह ऐसे कैरेक्टर है जिनके बारे में बहुत कम जानते हैं लोग, और मैं चाहता था कि हमारी देश की जनता जो है वो उनके सैक्रिफाइस के बारे में जाने। उनके सामने इतनी बड़ी एक आर्मी थी जो उनसे 10 गुना ज़्यादा बड़ी थी, लेकिन फिर भी वो डटे रहे, उन्होंने कहीं अपना साहस नहीं खोया और उन्होंने अपनी बीवी को बचाने के लिए अपनी जान तक दे दी। अब फिल्म रिलीज होगी तो मैं बोल सकता हूँ। इस दौरान शाहिद ने बॉक्स ऑफिस पर फिल्म के कलेक्शन को लेकर भी बेहद खुशी जाहिर की। भी कई ऐसे हिस्से हैं देश के, बड़े बड़े स्टेट्स हैं जहाँ पर ठीक से फिल्म नहीं शुरुआत ले पाई है, और उसके बावजूद स्पेशली पहले एक दो दिन थे तब लोगों में बहुत डर था, यू नो काफ़ी लोग थिएटर नहीं जा रहे थे। इसलिए अगर आप देखें जो पहले दिन फिल्म ने जितनी कलेक्शंस की उसके हिसाब से जब दूसरे दिन फिल्म ने पिकअप किया तो इट वेंट अप टू 32 crores, विच इज़ अमेजिंग, इट्स अ ह्यूज नंबर। और बस यही मैं चाहता हूँ कि ये फिल्म सब लोगों तक पहुँच पाए। अब ऑडियंस ये फिल्म देख चुकी है और ऑडियंस का वर्डिक्ट बाहर आ चुका है, जनता का वर्डिक्ट बाहर आ चुका है, सब लोग बाहर आकर ये कह रहे हैं कि बहुत बेहतरीन फिल्म है। और इससे ज़्यादा ग्लोरिफिकेशन हमारे राजपूत कम्युनिटी के लिए, चित्तौड़ और मेवाड़ की डायनेस्टी के लिए और हिंदुस्तान के लोगों के लिए, इससे ज़्यादा ग्लोरिफिकेशन शायद मुश्किल है। तो यू नो जेन्युइनली संजय सर ने महारानी पद्मावती और रावल रतन इनको ऑलमोस्ट भगवान की तरह मन में रखकर इस फिल्म को बनाया है और उनको एक श्रद्धांजलि दी है, और हम सब इसमें भागीदार हैं। मैं चाहता हूँ कि लोग जाके पूरे हिंदुस्तान में ये फिल्म देख पाएँ, और ऑलरेडी इतने कम स्टेट्स में रिलीज़ हुई है फिल्म, फिर भी इतना ज़्यादा बिजनेस कर रही है, दैट गोज़ टू शो कि फिल्म को लोगों का बहुत प्यार मिला है। इतना ही नहीं, शाहिद ने बताया कि फिल्म में उनका किरदार भी काफी मुश्किल था, लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि पद्मावत के लिए उन्होंने जो फैसला लिया वो बिल्कुल सही था, और उनके किरदार को लोगों से भी बहुत प्यार मिल रहा है। लोगों से ट्विटर पे बहुत सारे मैसेजेस आए, कभी इतने मैसेजेस नहीं आए, कभी इतना प्यार नहीं मिला। और यू नो मुझे ज़रूर ऐसा फील होता है कि जीवन में हर इंसान कभी ना कभी अंडरडॉग ज़रूर रहा होगा। यू नो उसे हमेशा ऐसी सिचुएशन मिली होगी जहाँ उसे लगता है कि यार ये करना मुश्किल है बट चैलेंज की तरह ले लेना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है सब लोग बहुत पर्सनल लेवल पे मुझे वो प्यार दे रहे हैं, बिकॉज दे नो दैट इट वॉज अ वेरी टफ फाइट फॉर मी टू डू दिस कैरेक्टर एंड प्ले दिस रोल इन दिस फिल्म, यू नो, एंड मेक माई प्रेजेंस फेल्ट। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल। बॉलीवुड अपडेट्स और गॉसिप न्यूज़ के लिए मायापुरी कट सब्सक्राइब करना ना भूलें।